हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बबली आप सभी का इंडियन एग्रीकोस चैनल में स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के, और ये उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी जिन बच्चों ने जनरल एग्रीकल्चर की कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की हुई है या फिर एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट से एमएससी या पीएचडी कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट जिन्होंने की है। तो एक हमने बात डिस्कस की थी लास्ट वीडियो के अंदर, हमारा एक जो दूसरा चैनल है समथिंग यूजफुल, उस जो चैनल का लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, तो आप जो इंटर्नशिप होती हैं उनका फायदा ले सकते हैं, और जितनी स्कॉलरशिप रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो इन चैनल के थ्रू आप उनका लाभ उठा सकते हो। तो गाइस, जो आज की हमारी ये वीडियो है एंटोमोलॉजी के जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा आप उठाएं। डायमंड बैक मोथ इज ए स्पेसिफिक इंसेक्ट ऑफ ऑप्शन ए ब्रिंजल, ऑप्शन बी टोमेटो, ऑप्शन सी कैबेज एंड ऑप्शन डी बोटल गार्ड। दी राइट ऑप्शन इज कैबेज। IPM इज ऑल्सो नोन एज, IPM की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। दी ऑप्शन ए IPC, ऑप्शन बी IDM, ऑप्शन सी IPA एंड ऑप्शन डी डबल IM। दी राइट ऑप्शन इज ए IPC, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल। फैमिली ऑफ डायमंड बैक मोथ इज ऑप्शन ए प्लूटेलेडी, ऑप्शन बी लेपिडोप्टरा, ऑप्शन सी डायप्टरा एंड ऑप्शन डी हेमिप्टरा। द राइट ऑप्शन इज ए प्लूटेलेडी। विच इज ए हाईली फिकेंट हार्मफुल इंसेक्ट स्पीसीज इज, ऑप्शन ए लोकस्ट, ऑप्शन बी DBM एंड ऑप्शन सी रेड पंपकिन बीटल एंड ऑप्शन डी होमोप्टरा। द राइट ऑप्शन इज लोकस्ट। साइंटिफिक नेम ऑफ बॉल वीवल इज ऑप्शन ए फाइनोकोकस हिर्टस एंड ऑप्शन बी एंथोनोमस ग्रैंडिस एंड ऑप्शन सी टेक्टेना ग्रैंडिस एंड ऑप्शन डी स्लेप्टा डेंड्रोगेटा। The right option is B, Anthonomus grandis. Next question is, BT cotton is resistant against which insect? Option A, bollworm. Option B, Asian and European corn borer. Option C, both A and B. Option D, none of these. The right option is A, bollworm. First pesticide used in India was option A DDT, option B endosulfan, option C heptachloro and option D aldrin। The right option is DDT, जो कि 1948 के अंदर एज ए पेस्टिसाइड स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन मुलर ने एज ए जो इंसेक्टिसाइड इसको सिंथेसाइज किया था 1939 में। इंसेक्टिसाइड विच इज ऑल्सो नोन एज गामा हेक्साक्लोरी साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन ए हेक्साक्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी हेप्टाक्लोर, ऑप्शन सी लिंडेन, ऑप्शन डी टीडीई। द राइट ऑप्शन इज लिंडेन। विच इज ए बैंड इंसेक्टिसाइड इन इंडिया, ऑप्शन ए एल्ड्रीन, ऑप्शन बी नाइट्रोफेन, ऑप्शन सी एल्डिकार्ब, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। द राइट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ दी अबो। ये जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं ये इंडिया के अंदर बैन हो चुके हैं। विच इज एन ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑप्शन ए मिरेक्स, ऑप्शन बी डीडीटी, ऑप्शन डी सी डायजिनोन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। द राइट ऑप्शन इज डायजिनोन। डायजिनोन इस टाइम पे बैन हो चुका है इंडिया के अंदर। पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट इज ऑप्शन ए लोकस्ट, ऑप्शन डी डी बी डी बी एम, ऑप्शन सी मैंगो होपर एंड ऑप्शन सी ग्रीन होपर। द राइट ऑप्शन इज लोकस्ट। मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट, ऑप्शन ए राइस येलो स्टेम बोरर, ऑप्शन बी
कॉटन जैसे, ऑप्शन सी वीविल, राइस वीविल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। द राइट आंसर इज राइस स्टैम बोरर। जो मोनोफेगस पेस्ट होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं जो कि फीड करते हैं ओनली ए सिंगल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ट्राइकोग्रामा। ऑप्शन ए इट इज ए पैरासाइट ऑफ लार्वे। ऑप्शन बी इट इज एन एग पैरासिटोइड। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इट इज ए प्रीडेटर। द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इट इज एन एग पैरासिटोइड। वेक्टर ऑफ राइस टुंग्रो वायरस इज। ऑप्शन ए जी एल एच। ऑप्शन बी बी एल एच। ऑप्शन सी डब्ल्यू एल एच एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। द राइट आंसर इज जी एल एच, मीन्स ग्रीन लीफ होपर। हार्मफुल स्टेज ऑफ सिट्रस सिला इज। ऑप्शन ए निम्फ ओनली। ऑप्शन बी अडल्ट ओनली। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी लार्वल स्टेज। द राइट ऑप्शन इज निम्फ स्टेज ओनली। ईयर कोकल ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन ए वायरस। ऑप्शन बी बैक्टीरिया। ऑप्शन सी फंगस एंड ऑप्शन डी नेमेटोड। द राइट ऑप्शन इज नेमेटोड। इसका जो नेमेटोड है वो है एंगुनिया टिटिकी। ये कॉमनली सीड गाल नेमेटोड होता है वीट के अंदर। फैमिली ऑफ राइस गंदी बग इज एलिडीडी। ऑप्शन बी पायरेलिडी। ऑप्शन सी नोक्टूडी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। द राइट ऑप्शन इज ए एलिडी। यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज हाइएस्ट इन। ऑप्शन ए राइस। ऑप्शन बी कॉटन। ऑप्शन सी मेज एंड ऑप्शन डी वीट। तो राइट ऑप्शन है बी कॉटन, क्योंकि कॉटन के अंदर जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए पेस्टिसाइड का ज्यादा इसके अंदर यूज होता है। वेक्टर ऑफ ग्रासी स्टंट डिजीज इज। ऑप्शन ए जी एल एच। ऑप्शन बी बी एल एच। ऑप्शन सी डब्ल्यू एल एच एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। द राइट आंसर इज बी एल एच। मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ टुंडूज डिजीज इंक्लूड्स। ऑप्शन ए हॉट वेपर ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा। ऑप्शन बी नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन सी हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। तो राइट आंसर इसके अंदर क्या है, हॉट वाटर का ट्रीटमेंट हमें इसको देना पड़ेगा, तब हम इस जो टुंडू डिजीज है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके जो अदर नेम है वो है येल्लो ईयर रोट ऑफ वीट, बैक्टेरियल रोट ऑफ वीट ईयर्स एंड बैक्टेरियल स्पाइक ब्लाइट और येलो स्लिम डिजीज। मोथ्स आर ऑप्शन ए यूजुअली नाइट फ्लायर्स एंड ऑप्शन बी यूजुअली डे फ्लाइज एंड ऑप्शन सी बोथ द डे एंड नाइट फ्लायर्स एंड ऑप्शन डी इवनिंग फ्लायर्स। द राइट ऑप्शन इज यूजुअली नाइट फ्लायर्स। जो मोथ हैं वो नाइट के टाइम पे फ्लाई करती हैं मोस्टली। बटरफ्लाइज ऑप्शन ए यूजुअली नाइट फ्लायर। ऑप्शन बी यूजुअली डे फ्लायर। ऑप्शन सी बोथ द डे एंड नाइट फ्लायर। ऑप्शन डी इवनिंग फ्लायर। द राइट आंसर इज यूजुअली डे फ्लायर। होपर बर्न जिसको हम बोलते हैं ए बिगुटुला इज ए सिम्टम्स ऑफ। ऑप्शन ए मैंगो। ऑप्शन बी राइस। ऑप्शन सी कॉटन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। द राइट आंसर इज कॉटन। विच इज ए रेगुलर पेस्ट। ऑप्शन ए एफिड्स। ऑप्शन बी जेसिड्स एंड ऑप्शन सी थ्रिप्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। द राइट आंसर इज थ्रिप्स। Which is a sporadic pest? Option A locust, option B grasshopper, option C cutworms and option D all of the above. The right answer is grasshoppers. Continuous pest वो होते हैं जो always present होते हैं and require regular control. लेकिन जो sporadic pest होते हैं वो migratory होते हैं, cyclical होते हैं एंड अदर ओकेजनल पेस्ट होते हैं दैट रिक्वायर कंट्रोल वंस इन ए वाहिल बट नॉट ऑन ए रेगुलर बेसिस।
विच इज ए पोटेंशियल पेस्ट? ऑप्शन ए आर्मी वर्म ऑन व्हीट, ऑप्शन बी पिंक स्टेम बोरर ऑन मेज, ऑप्शन सी राइस गंदी बग एंड ऑप्शन डी राइस वीविल. द राइट आंसर इज राइस गंदी बग. दीज इंसेक्ट आर प्रेजेंट नॉट कॉजिंग एनी इकोनॉमिक डैमेज एंड देयर फोर एज सच शुड नॉट बी लेबल्ड एज पेस्ट. लेकिन जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. पेस्ट पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन आर मेनली टाइप ऑफ ऑप्शन ए 3 टाइप्स, ऑप्शन बी 2 टाइप्स, ऑप्शन सी 4 टाइप्स, ऑप्शन डी 1 टाइप. द राइट आंसर इज 4 टाइप्स. वेल नोन पेस्ट ऑफ बीटी कॉटन इज ऑप्शन ए एफिड, ऑप्शन बी जेसिड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी बोलवर्म. द राइट आंसर इज डी बोलवर्म. Which is a resistant rootstock of apple against woolly aphid? Option A M778, option B M112, option C M110, option D all of the above. The right answer is D all of the above. Right hand. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वुली एफिड इज डन बाय अप्लाइंग ऑप्शन ए एफिलिनस मेली एंड ऑप्शन बी कॉक्सिनेलिड प्रीडेटर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी ट्राइकोग्रामा. द राइट आंसर इज एफिलिनस मेली. तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही. कल हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जितनी भी एग्रीकल्चर अपडेट्स हैं उनके बारे में मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन की वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे और आगे जो सब्जेक्ट वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम वीडियो लेके आते रहेंगे. जैसे आज एंटोमोलॉजी की वीडियो लेके आए हैं, कल हम या परसों हम प्लांट ब्रीडिंग की वीडियो लेके आएंगे या फिर प्लांट पैथोलॉजी की वीडियो, एग्रोनॉमी की, सोयल साइंस की, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे. थैंक यू सो मच. और वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.